गर्मी की छुट्टियों में घूमने कहीं बाहर नहीं जा सके तो अब प्लान बना लीजिए। मानसून आने के साथ ही एयर टिकट्स और हॉलिडे पैकेजेस गर्मियों के मुकाबले 15 से 30% तक सस्ते मिलेंगे। मानसून ऑफर्स का फायदा आप 30 सितंबर तक उठा सकते हैं। सिंगापुर, मॉरिशस और थाईलैंड जैसे दक्षिण पूर्व देशों में बारिश के मौसम में टूरिस्ट कम जाना पसंद करते हैं, लेकिन मानसून सीजन में इन देशों की सैर उन ट्रेवलर्स के लिए फायदे का सौदा है जो बचत करना चाहते हैं। मध्य जून से सितंबर तक यात्रियों को खींचने के लिए हर साल एयरलाइंस किराया 15 से 20% तक घटा देती हैं। मानसून में अगर आप जैसे पहाड़ों पे जाओ तो लैंडस्लाइड्स वगैरह ज्यादा हो जाती हैं, तो लोग पहाड़ों पे नहीं जाते, या फिर आपको होटल के अंदर ही बंद रहना पड़ता है तो बाहर आदमी नहीं जाता, तो इसलिए मानसून में कोई 15-20% हर साल, इसी साल नहीं, हर साल ट्रैवल कम हो जाता है। टूर एंड ट्रेवल्स कंपनियां इस मौसम में ग्राहकों के लिए आकर्षक मानसून ऑफर लेकर आती हैं, जो गर्मियों और सर्दी के पीक सीजन के मुकाबले 15 से 30% तक सस्ते होते हैं। मानसून पीरियड में थोड़ा सा लीन माना जाता है क्योंकि बारिश का समय होता है और लोगों को काफी ऑप्शंस नहीं होते ट्रैवल करने के लिए, लेकिन हाँ, इस समय हम स्पेशल मानसून पैकेजेस लॉन्च करते हैं ताकि और अट्रैक्टिव हो और जो कि पैसेंजर को फोर्स करे कि आप एक हॉलिडे मनाएं। घरेलू यात्रियों के लिए भी एयरलाइंस मानसून में स्पेशल स्कीम लाती हैं, जैसे जेट एयरवेज ने मानसून सीजन के लिए एडवांस टिकट की खरीद पर किराए की स्पेशल दरें घोषित की हैं। 30 सितंबर तक चलने वाली इस स्कीम में किराए की दरें इकोनॉमी किराए से भी कम है, जबकि स्पाइस जेट ने 15 जून से सितंबर के अंत तक यात्रा करने वालों को टैक्स और सरचार्ज के अलावा 99 पैसे प्रति टिकट के रेट से 2 लाख टिकट का ऑफर दिया है। इससे पहले जुलाई और अगस्त के लिए टैक्स के अलावा बिल्कुल मुफ्त 1 लाख टिकट का ऑफर दे चुकी एयर डेक्कन मानसून के लिए नया ऑफर लाने की तैयारी कर रही है। अतुल मिश्रा, दिल्ली।